हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है, ये है यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के अंग्रेजी सब्जेक्ट में पढ़ी जाने वाली एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है पेनपाल। इस कहानी को लिखा है जी श्रीनिवास राव ने, और इस वीडियो में पेनपाल के ऊपर चर्चा होगी और इसका हिंदी अनुवाद करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पेनपाल का मतलब होता था किसी दूर के देश से साथी बनाना। चिट्ठी के द्वारा साथी बनाने का जो चलन होता था पहले पहले, जिस समय इंटरनेट आया नहीं था, जिस समय फेसबुक का जन्म नहीं हुआ था, जिस समय ईमेल नहीं थे, तो उन दिनों पेनपाल का चलन बहुत हुआ करता था। और उस समय क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा जरिया नहीं होता था, तो आप लेटर लिख के, पोस्ट कार्ड लिख के ये पेन फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करते थे। क्या होता था कि लोग विदेशियों से पेन फ्रेंडशिप करना चाहते थे, और ख़ास करके इसमें युवा वर्ग होते थे, और उसमें भी ख़ास करके लड़के होते थे जो विदेशी लड़कियों से पेन फ्रेंडशिप करना चाहते थे। तो बहुत ही ज़्यादा चलन हुआ करता था ये, और बहुत ही एक तरफ से फोड़ हुआ करती थी। और अगर किसी की पेन फ्रेंडशिप लड़की हो और वो भी अमरीका वगैरह से हो, तो कॉलेज में ये बहुत फ़ख्र की बात हुआ करती थी कि भाई इस बंदे को अमेरिका से लेटर आते हैं, कि इसकी एक फ्रेंड है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, जिससे कि अब इंटरनेट ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आज फ्रेंडशिप का जो ऑफ़र है या जो रिक्वेस्ट है, वो 2 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और एक्सेप्ट हुआ है या डिक्लाइन हुआ है इसका भी पता आपको तुरंत चल जाता है। लेकिन पेन फ्रेंडशिप के समय में एक्सेप्ट होने में या डिक्लाइन होने में बहुत टाइम लगता था। तो उसी समय की बात है जब जो लेखक थे कॉलेज में पढ़ते थे, और वो देखते थे कि कैसे जो उनके संगी हैं, जो उनके साथी हैं कॉलेज के, उनमें से बहुतों के पास लेटर्स आते थे, गिफ्ट्स आते थे बाहर के देशों से। तो वो देख के लेखक को लगा कि काश मेरी भी एक पेन पाल हो, पेन फ्रेंड हो। तो एक बार जो ये लेखक हैं, ये एक बॉम्बे की पॉपुलर मैगजीन में देखते हैं कि एड्रेसेस निकले हुए हैं पेन फ्रेंडशिप के लिए, तो ये भी एक लड़की को एक लेटर लिख देते हैं रिक्वेस्ट के साथ कि मैं आपका पेन पाल या पेन फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और कुछ दिनों के बाद उनको एक लेटर मिलता है लेखक को कि मैं जो है आपका पेन फ्रेंडशिप जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, हालांकि मैंने ऐसा कोई विज्ञापन किसी मैगजीन में नहीं दिया था। और उसके बाद इनके बीच में जो है लेटर आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये जो लड़की जो होती हैं, जो पेन फ्रेंड होती हैं, ये अमेरिका से होती हैं, और इनका नाम एलिस होता है। तो लेखक को क्योंकि हमेशा एक जिज्ञासा होती है कि ये देखने में कैसी हैं, इनकी उम्र कितनी है, लेकिन लेखक अपने शर्मीले स्वभाव के कारण इन चीज़ों को पूछ नहीं पाते, और कभी पूछ भी पाते हैं तो जो लड़की होती है वो कहती है कि नहीं, आप थोड़ा रुको, मैं आपको बताऊंगी, एक दिन मैं आपको चिट्ठी भेजूंगी। और एक दिन लेखक को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उस पेन फ्रेंड की फ़ोटो होती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब पहले इसका अनुवाद शुरू करते हैं। हाउ ऑफ्टन स्मॉल बिगिनिंग्स ग्रो इंटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। लेखक कहते हैं कि कैसे बिगिनिंग्स, जो शुरुआत होती है, छोटी छोटी इन शुरुआतों में कभी कभी जो है आदमी को बड़े बड़े अनुभव हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस। दिस ट्रूथ वॉज रिवील्ड टू मी इन ए लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 ईयर्स टू अनफोल्ड। और ये जो सत्य है, इसे खुलने में, रिवील होने में मेरी जिंदगी चली गई, क्योंकि जो मैंने भोगा था उसको खुलने में, अनफोल्ड होने में 20 साल लगे। इट बिगेन वन मॉर्निंग वेन आई अ 19-year-old कॉलेज स्टूडेंट। एक सुबह शुरू हुई ये बात जब मैं 19 साल का एक कॉलेज का विद्यार्थी था। केम अक्रॉस ए पेज इन ए पॉपुलर मुंबई मैगजीन। केम अक्रॉस, मेरी नज़र पड़ी या मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही पॉपुलर, जो बम्बई से निकलने वाली एक मैगजीन थी, दैट प्रिंटेड एड्रेसेस ऑफ यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु सोट पेन पाल्स इन इंडिया। और उसमें ये एड्रेसेस लिखे हुए थे बहुत सारे युवा लड़के लड़कियों के, जो कि बहुत सारी कंट्रियों से थे, जो पेन पाल ढूंढ रहे थे। सोट मतलब ढूंढना इंडिया में। आई हैड सीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास रिसीविंग फैट एयर मेल एनवलप्स फ्रॉम अनसीन फॉक्स। और मैं देख चुका था
बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो मेरी क्लास में थे उनको कई बार फैट एनवलप्स मतलब मोटे लिफाफे मिलते थे, और वो भी उन लोगों से, अनसीन फॉक्स, जिनसे वो कभी मिले ना हो पहले. इट वॉज़ द रेज ऑफ द डे, वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई. तो रेज, मैं उन्माद में आ गया, मैंने भी सोचा मैं क्यों ना करूँ ये. सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजलिस एंड बोट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड. तो मैंने एक जो पता था वो लिया, और ये एलिस एच नाम की लड़की का था जो कि लॉस एंजलिस में रहती थी, और मैंने उसे लिखने के लिए एक महंगा एक्सपेंसिव राइटिंग पैड लिया, मतलब कॉपी ली मैंने लिखने के लिए जो कि महंगी थी. अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी अ क्लू. एक लड़की ने जो मेरी क्लास में पढ़ती थी मेरे साथ, उसने मुझे एक क्लू दिया, मतलब संकेत दिया. टू ए वुमेन्स हार्ट व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट्स. और उसने बातों बातों में ये इशारा किया था कि जो लड़कियां होती हैं, अगर उन्हें पिंक कलर की कॉपी पर या पन्ने पे चीज़ें लिखी जाएं तो वो उन्हें बहुत ही पसंद करती हैं. ये बात जो है उस लड़की ने स्वीकारी थी, कन्फेस किया था. यस आई टू मस्ट एड्रेस एलिस ऑन ए पिंक शीट. हाँ, मैं भी जो है एलिस को एक गुलाबी पन्ने पे ही लिखूंगा. डियर पेन पाल आई बिगेन, मैंने लिखा, प्यारे पेन पाल, एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम. और मैं नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, जैसे कि एक स्कूल में पढ़ने वाला लड़का जो होता है पहली बार अपने इम्तहान में बैठ रहा हो. देर वॉज एन मस्ट टू से, ज़्यादा लिखने को था नहीं. एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और जो पेन था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि लिखने को मेरे पास ज़्यादा था नहीं कुछ. व्हेन इट डिड एट ऑल, जब ये सारा मैंने लिख दिया, ड्रॉपिंग द लेटर इन टू द पोस्ट बॉक्स, और मैंने वो जो लेटर था पोस्ट बॉक्स के अंदर डाला, आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट. तो मैं इस तरह से महसूस कर रहा था जैसे कि दुश्मन की गोली का मैं सामना करने वाला था. तो लेटर लिखा राइटर ने, और लेटर लिखने के बाद इतनी नर्वसनेस थी कि उसे डालते वक्त भी जो लेखक थे उन्हें बहुत डर लग रहा था. द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड. और इसका जो जवाब था चिट्ठी का, ये कैलिफोर्निया अमेरिका में है, वहाँ से बहुत जल्दी आ गया, मतलब इतनी जल्दी आएगा मैंने सोचा नहीं था. सूनर देन आई एक्सपेक्टेड. आई वंडर हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पोल्स कॉलम इन योर कंट्री. उसमें लिखा था, मुझे पता नहीं, आई वंडर, कि कैसे मेरा जो पता है पेन पाल के कॉलम में, पेन पाल के इश्तहार में, तुम्हारी कंट्री में छप गया. मोर सो बिकॉज आई हैवन्ट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड. और मुझे इसलिए भी ज़्यादा ताज्जुब है क्योंकि मैंने फ्रेंड बनाने के लिए कभी ऐसा किया ही नहीं, मतलब मैंने अपना इश्तहार जो है दिया ही नहीं था. एलिस रोट, एलिस ने लिखा, बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहर्ड ऑफ. लेकिन ये बहुत ही प्यारा है कि किसी ऐसे आदमी से लेटर आना जिसे मैंने अनसीन देखा ना हो आज तक और ना ही सुना हो, अनहर्ड ऑफ. एनी वे, यू वॉन्ट मी एज ए पेन पाल, तुम मुझे पेन पाल या मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, एंड हेयर आई एम, तो मैं भी तैयार हूँ. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रेड दैट शॉर्ट नोट. मुझे नहीं पता इस लाइन को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा. लेखक का कहना है कि वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इस लाइन को बार बार पढ़ा. It had all the music of life and I felt I was in seventh heaven. सबसे पहली बात तो ये कि music of life, मुझे ऐसा लगा इस चिट्ठी को पाकर जैसे कि मुझे जीवन का संगीत मिल गया हो और मैं सातवें आसमान पे हूँ, seventh heaven. I was careful in my correspondence. मैं जो लिखता था correspondence, जो पत्राचार हमारे बीच में होता था, उसमें मैं बहुत ही सावधान रहता था. मतलब मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखता था जो मुझे लगे कि ये अच्छा नहीं होगा, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं लिखता था. बहुत अच्छी तरह से मैं उस लेटर को लिखने की कोशिश करता था. एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल. और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता था जिससे कि मेरी ना देखी हुई ये अनजान अमेरिकन जो लड़की है वो गुस्से हो जाए. इंग्लिश कम नेचुरली टू एलिस. और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी
एलिस के लिए तो ये उसकी जवान थी, वेयर एज और जहाँ तक मेरी बात थी, फॉर मी इट वॉज अ फॉरन लैंग्वेज, ये मेरे लिए एक विदेशी भाषा थी, एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, जो कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी मुझे इस पे, एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था, इवन शाई और शर्मिला भी था, इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेज, जो भी मैं लिखता था या जो मेरे शब्द होते थे, मतलब लेखक जो लिखते थे उसमें भावुकता और शर्मिंदगी दोनों होती थी, बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में, कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, वॉज ए सेंस ऑफ रोमांस, कहीं ना कहीं प्यार का एक अंश जरूर था, सेंस ऑफ रोमांस, एंड आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जो कि मैं कभी भी कह नहीं पाया, डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, और एलिस जो थी लंबे लेटर लिखती थी, जो कि बहुत ही सटीक तरीके से बयान किया होता था, लॉन्ग हैंड उसकी जो राइटिंग होती थी, येट रिवील्ड लिटल ऑफ हर सेल्फ, लेकिन इसके बावजूद अपने बारे में एलिस ने बहुत कम लिखा होता था। बिग एनवलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, और उसके द्वारा भेजे गए जो लिफाफे होते थे, लेटर होते थे, उसमें किताबें होती थीं, मैगजीन्स होती थीं, और साथ ही कई बार छोटे छोटे गिफ्ट भी होते थे जो उसकी तरफ से मुझे भेजे जाते थे और जो हजारों माइल का सफ़र करके मेरे पास आते थे। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि जो एलिस थी वो एक बहुत अमीर एफ्लुएंट अमरीकी थी, एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज हर ग्रेशियस गिफ्ट्स, और वो उतनी ही सुंदर थी जितने कि प्यारे गिफ्ट, ग्रेशियस गिफ्ट जो वो मुझे भेजती थी, एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वॉज ए सक्सेस, और जो फ्रेंडशिप हमारे बीच में थी, लेटर जो हमारे आते जाते थे, वो एक सफल रिलेशनशिप का संकेत था। तो यहाँ पे जो लेखक है उनका अनुमान था वो बहुत सुंदर है और वो बहुत अमीर है, और जो लेटर का सिलसिला था इससे उन्हें लगता था कि शायद जो हमारा प्यार है वो भी परवान चढ़ रहा है, तो जो एक टिपिकल बात होती है एक युवा में, वो उन्हें भी दिखाई दे रही थी, वो उन्हें भी सुनाई दे रही थी। हाउएवर वन क्वेश्चन कैटल हैमरिंग एट माई ब्रेन, लेकिन एक प्रश्न था जो कैटल हैमरिंग, जब आपने देखा हो जो केतली होती है जब वो उबलती है तो कैसे उसमें जो आवाज़ आती रहती है, उसी तरह से लेखक के दिमाग में भी एक बात जो है हमेशा कोंधती थी या मतलब परेशान करती थी, इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क गर्ल हर एज बट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, और ये बात ये थी कि शायद एक लड़की से उसकी उम्र पूछना गुस्ताखी हो, अच्छी बात ना हो, इम्पोलाइट, लेकिन अगर मैं एलिस से उसकी फोटो मांगूं तो उसमें क्या बुराई है, हार्म। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम टू रिप्लाई, तो मैंने जैसे तैसे मतलब हिम्मत करके वो भेज ही दिया एलिस को कि तुम्हारी अगर एक फोटो मिल जाए। एलिस सेड सिंपली दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन, लेकिन एलिस का जवाब ये आया कि उस समय उसके पास कोई फोटोज थी नहीं, बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन एक दिन वो मुझे अपनी फोटो भेज देगी। शी एडेड दैट, और उसके ऊपर उसने लिखा, एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वॉज मोर शीक देन शी, और एलिस ने अपने बारे में इनडायरेक्टली बोला यहाँ पे कि जो औसत अमरीकी लड़की जो दिखती है ना वो भी उससे ज़्यादा फैशनेबल होती है और सुंदर होती है। तो एलिस ने अपने आप के बारे में बहुत ही नम्रता के साथ अपने बारे में बताया कि देखो मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ और मैं शायद साधारण सी दिखने वाली भी लड़की मेरे से ज़्यादा सुंदर हो। आई थॉट दिस वॉज ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लेकिन लेखक को लगता है कि शायद ये लुका छिपी का खेल हो रहा है, ठीक है, वो कुछ लड़की के तौर पे उन्हें परेशान कर रही हैं, उनके साथ खेल खेल रही हैं, ओ दीज फेमिनिन वाइल्स, और लेखक कहते हैं ये लड़कियां भी कितनी शैतान होती हैं। ईयर्स रोल बाय, जो समय था धीरे धीरे रोल्ड होता गया, मतलब खिसकता गया। माई कॉरेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, और मेरा जो पत्राचार था, कॉरेस्पॉन्डेंस एलिस के साथ, उसमें अब कम मज़ा रह गया था।
एक्साइटिंग, मोर इरेगुलर, और ये नियमित भी नहीं था, मतलब अब कम लेटर्स मिलते थे हमें, बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था. आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस व्हेन एवर शी फेल इल, और मैं उसे जल्दी अच्छी हो जाओ, गेट वेल मैसेज भेजता रहता था या चिट्ठियाँ भेजता रहता था जब कभी भी वो फेल इल, बीमार हो जाती थी. क्रिसमस कार्ड्स एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, क्रिसमस कार्ड्स भेजता था, विश करता था क्रिसमस की, जो भी मेरे से बन पड़ता था. हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, मैं उसे रैंडम गिफ्ट्स भी, मतलब कभी कभी गिफ्ट भी भेज दिया करता था, जो भी मैं खरीद सकता था या भेज सकता था. मीन वाइल आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, और इसी दौरान क्या हुआ कि मैं संसारिक आदमी बन गया, मेरी भी जो है घर गृहस्थी शुरू हो गई. ग्रू ओल्डर, मैं थोड़ा बूढ़ा भी हो गया. गॉट ए जॉब, एक नौकरी मिल गई मुझे, और बीबी और बच्चे हो गए मेरे. आई शोड एलिसेज लेटर टू माई वाइफ, और मैंने जो एलिस के लेटर आते थे वो अपनी वाइफ को भी दिखाए. द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, और क्योंकि इनका जो पत्राचार है बहुत सालों तक चला, दोस्ती सालों तक रही, तो लेखक के मन में ये बात जरूर थी कि एक बार एलिस कैसी है, कौन है, इसे मैं देख पाता. एंड फॉर माई फैमिली टू, और क्योंकि अब एलिस का परिचय लेखक के द्वारा लेखक की फैमिली से भी हो गया था, तो जो लेखक की फैमिली है वो भी एलिस को देखना चाहती थी. देन वन डे आई रिसीव ए लार्ज पैकेट दैट बो न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनिन हैंडराइटिंग, और एक दिन क्या हुआ कि मुझे जो है एक बड़ा सा लिफाफा मिला जिस पर बिना किसी गलती के एक महिला की हैंडराइटिंग थी. कि जो लिफाफा मिला था उसे देख के आप पूरी तरह से कह सकती हो कि ये जो लिखावट है ये किसी औरत की है. इट केम बाय एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, और ये जो है हवाई मार्ग के द्वारा एयर मेल अमरीका से आया था. फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो एलिस का शहर था ये वहां से आया था. हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पेन फ्रेंड कौन है. आई वंडर्ड एज आई अनटेप्ड द पैकेज, मैं ये सोच रहा था जिस समय मैं उस लिफाफे पे लगे टेप को हटा रहा था, अनटेप्ड. तो इस बार जो पैकेज आता है उस पे जो हैंडराइटिंग होती है वो भले ही एक औरत की हो लेकिन ये एलिस की नहीं होती. तो इसे देख के लेखक को लगता है कि ये नया कौन है. इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स एंड ए शॉर्ट नोट, और इसमें कुछ किताबें होती हैं और एक छोटा सा नोट होता है, मतलब एक चिट्ठी होती है. एज ए क्लोज फ्रेंड्स ऑफ एलिस, मैं एलिस की एक बहुत ही करीबी दोस्त हूँ. होम यू नो सो वेल, जिसे कि आप अच्छी तरह से जानते हो. आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, और मुझे ये बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है आपको कि एलिस की लास्ट संडे एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. व्हाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम चर्च विद फ्यू परचेसेस, जब वो चर्च से कुछ खरीदारी करके परचेसेस वापस आ रही थी. बींग वेरी ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ही वृद्ध थी. शी वॉज 78 लास्ट 31st दिसंबर, लास्ट 31 तारीख को दिसंबर की उनकी उम्र 78 थी. शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो जो बहुत तेजी से आती हुई कार को नहीं देख सकें. तो उनका कार एक्सीडेंट हो गया जब वो शॉपिंग करके वापस आ रही थी. एलिस वुड ऑफ्टन टेल मी हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, और ये जो चिट्ठी है वो अब आगे कहती है कि एलिस जो है बहुत खुश होती थी जब भी उसे आपकी चिट्ठी मिलती थी. अलोन बर्ड हेल्पिंग अदर वॉज ए पैशन टू हर, क्योंकि वो अकेली थी, अलोन बर्ड, जिन्हें दूसरों की हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, पैशन होता था उनमें उसके लिए. बोथ सीन एंड अनसीन, चाहे वो लोग उससे पहले मिल चुके हों या कोई अजनबी हो, फार एंड नियर, पास में हो या बहुत दूर से हो, तो एलिस जो थी बहुत ही हेल्पफुल, एक मदद करने वाली इंसान थी, चाहे वो कोई भी हो. द राइटर कंक्लूडेड विद ए रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस, और जो चिट्ठी लिखने वाली थी और उसने ये भी लिखा था अंत में कंक्लूडेड कि ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चिट्ठी के साथ जो मैं एलिस की फोटो भेज रही हूँ इनक्लोज्ड, मतलब साथ में लगी हुई, वो आप रखें अपने पास, वो जरूर लें. हु हैड वॉन्टेड इट टू सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ, एलिस ने ये फोटोग्राफ जो है मुझे भेजी थी और कहा था कि मेरी मौत के बाद ही ये फोटो मैं आपको भेजूँ.
इट इज़ ए फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन। तो लेखक आगे कहते हैं, ये जो चेहरा है बहुत ही सुंदर था और करुणा से भरा हुआ था, कंपैशन। इट इज़ ए फेस आई वुड हैव चेरिस्ड इवन व्हेन आई वाज अ शाय कॉलेज बॉय एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड। और ये जो चेहरा है, मैं तब भी इसे इतने जतन से ही रखता या देखता जब मैं एक शर्मिला कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था और वो पहले से ही एक वृद्ध महिला थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का हिंदी अनुवाद। मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो या इस वीडियो से आपको इस कहानी को समझने में आसानी हुई हो। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।